बोले संभाल लेना। दीपिका मैडम, तुम अभी भी वही बैठी हो, यहाँ आके हमारी मदद करो ना, हम गिर जाएंगे। पीयूष जी, पीयूष जी, पकड़ हाथ। पीयूष जी, आप सच में आए हैं? नहीं, हमने भूत भेजा है, अपना चेहरा चिपका कर। ऐसे मत बोलिए। अब पीछ की कथा तुम यही खिड़की पर सुनोगी या हमें अंदर भी खींचोगी? हाँ। अरे खींचो वरना हम गिर जाएंगे। तुम लोग ये सीडी ठीक क्यों नहीं करवाते? कोई दुम छल्ला आशिक थोड़ी हमसे मिलने आने वाला था सीडी चढ़ के। पापा ने सोचा सीडी ठीक करवाएंगे क्या, आप तारे गिनने हैं। आशिक, हमारे अलावा ना कुत्ता तक नहीं चढ़ा होगा इस पटिया पर। हमें आपके अलावा और कोई चाहिए भी नहीं पीयूष। नहीं, वो हम कोई आशिक वाशिक नहीं है, मतलब वो आ गए बस। अच्छा, तो फिर सीढ़ियों से चढ़कर क्यों आए? शरीफों की तरह घंटी बजाकर मेन दरवाजे से आना चाहिए था ना। अगर हम घंटी बजाकर शरीफों की तरह मेन दरवाजे से आते ना तो डंका बज जाता कि हम आए, और अगर बाबूजी को पता चल गया ना कि उनके मना करने के बावजूद हमने ससुराल में घुसपैठ कर दी तो हमारे घुटने छील देंगे। क्या बात है पीयूष जी, इतना टशन, मतलब पापा जी के मना करने के बाद भी आप आ गए। हाँ, वो हमें लगा कि तुमने व्रत रखा होगा ना हमारे लिए, तो ये गलत फहमी ना, अपने गले से नीचे उतार लीजिए, हमने कोई व्रत नहीं रखा। क्या दीपिका, तुमने व्रत नहीं रखा? ये ट्रिपल चीज पिज्जा मक्खियां खाएगी। ट्रिपल चीज पिज्जा मतलब ट्रिपल चीज? अब हमारे लिए ट्रिपल चीज मतलब ट्रिपल चीज पिज्जा लाए पीयूष जी। चलो अब मतलब खाओ, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? तुम कह क्यों नहीं देती कि तुमने हमारे नाम का व्रत रखा है? चलो अब खाओ। नहीं, हम अपना व्रत तभी तोड़ेंगे जब आप हमें अपने हाथों से खिलाएंगे। नहीं, हम अपने हाथों से तुम्हें नहीं खिलाएंगे, और वैसे भी ये तो करवा चौथ की रस्म है, तीज की नहीं। ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि तीज पर पति अपनी पत्नी को हाथ से खाना नहीं खिला सकता? देखो, अब तुम ज्यादा फैलो मत, हम लाए वही बहुत बड़ी बात है, अब खा लो ना चुपचाप। वो भी तुम्हारा फेवरेट है ट्रिपल तीज, ट्रिपल चीज पिज्जा। जब तक आप हमें अपने हाथों से नहीं खिलाते हम भूखे रहेंगे। अच्छा ठीक है,
ज्यादा बत्तीसी चमकाने की जरूरत नहीं, तुम भूखी रहती ना तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाता, इसीलिए खिला रहे वो पिल्लू का खर्चा बचा रहे और कुछ नहीं। बातें करते रहेंगे या पिज्जा भी खिलाएंगे? पहले आप। नहीं नहीं तुम पहले। एक मिनट, आपने मैचिंग कुर्ता पहना है? नहीं, ये डार्क पर्पल है और ये हाँ गलती से पहन लिया होगा। कभी कभी सही काम भी गलती से हो जाते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या करें, दीपू को जगाकर कुछ खिला दें या जब उठेगी तभी खा लेगी हैं? वैसे तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मिश्रा। मतलब तुम्हारे दामाद जो है वो दर्शन देने आ चुके हैं। हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। नहीं। क्यों? सुबह सुबह नाश्ते के साथ चाय आपको पसंद है ना? मन कर रहा होगा, हम जानते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही पता है हमारे बारे में तो रनवे पे क्यों छोड़ा ही मन को? जैसे तुम्हें हमारी बहुत परवाह है ना। आपने भी तो नहीं रोका। तुमने मौका दिया, बस बैग उठा के चलती है। घर पर हम कुछ भी करते तो हमें बस तुम्हारी याद आती है। अरे आदत पड़ चुकी है तुम्हारी। अगर इतनी ही आदत पड़ गई है तो हाथ पकड़ कर रोक लेते ना। अगर रोकते तो तुम रुक जाती? एक बार कहकर तो देखते। और अगर तुम नहीं रुकती तो हमारी इज्जत की कचौड़ियां बन जाती उसका क्या? यही तो प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ आपकी इज्जत की पड़ी, पर हमारे प्यार की कदर तो कर लेते पीयूष जी। हाँ चल ठीक है, अगर अभी कहेंगे तो चलोगी? मैं लेने आए? नहीं, हम पिज्जा डिलीवर करने आए हैं। अरे तुम्हें लेने ही तो आए हैं ना दीपिका। क्यों लेने आए हैं? हम आपकी पत्नी है इसलिए, हमें मिस कर रहे हैं इसलिए, हमसे प्यार करते हैं इसलिए। नहीं, वो घर में चाय बनाने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए। चलो जो भी हो तुम चलो घर बस। नहीं। क्या? क्यों? हमने वो घर छोड़ा क्योंकि सब हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते थे पीयूष जी, सब हमें गलत समझते। जब तक सब हमें नहीं अपना लेते हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे। देखो दीपिका, हमने तुम्हारा व्रत तोड़वा कर अपना फर्ज निभा लिया, अरे घर वाले भी समझ जाएंगे ना धीरे धीरे, तुम बस घर चलो प्लीज। नहीं, हम नहीं आएंगे। दीपिका प्लीज घर चलो, हम बता रहे हैं। नहीं देखो दीपिका, हम बता रहे हैं हमारे साथ घर चलो वरना हम चले जाएंगे अकेले। ठीक है चले जाइए, हमने कहा रोका आपको, जाइए। हम सचमुच चले जाएंगे, हम बता रहे हैं। हाँ तो हम भी फारसी में बात नहीं कर रहे हैं, हम भी सच कह रहे हैं, जाइए। ठीक है ठीक है। देखो दीपिका, हम आखिरी बार कह रहे हैं हम यहाँ से चले जाएंगे अकेले। तो फिर चले जाइए ना अकेले, हम भी आखिरी बार कह रहे हैं। जब तक आपका पूरा परिवार हमें अपना नहीं लेता पीयूष जी, हम ससुराल वापस नहीं जाएंगे।
दिमाग में छाले पड़ गए क्या तेरे? हैं? पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। तबाजी खुद लेने आए थे इसे और इसे मना कर दिया। मम्मी हम वापस क्यों नहीं जाना चाहते, उसकी वजह तो समझने की कोशिश कीजिए। अरे पति खुद लेने आया था तुझे, हैं? और क्या वजह चाहिए तुझे बोल? आप ऐसे कैसे खड़े, कुछ पूछिए ना इससे। जाना चाहती हूँ? हाँ पापा हम जाना चाहते हैं, पर तब जब सिर्फ पीयूष जी ही नहीं उनकी पूरी फैमिली कहेगी तब। उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए ना कि उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ा है। हम जानते हैं थोड़ा वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ मेघना को भी हमारी जरूरत है ना, इसीलिए ये लड़की तो पूरी पागल हो गई है। अब आप ही कुछ करिए मिश्रा जी, आप दबाजी को फोन लगाइए, कहिए कि इसे लेकर जाए। नहीं मम्मी, पीयूष जी के साथ साथ पूरी फैमिली को हमारे लिए प्यार दिखाना होगा। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।